अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके हैं नेस गैस के इंस्टेंट गीजर का, जो कि गैस में आता है और इसके अलावा आप इसे एलपीजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्लैक कलर के ग्लास में आता है, आप देख सकते हैं, जो कि अनब्रेकेबल है। और इसके अलावा आप इसके टॉप पे देख सकते हैं, इसमें आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है और वाशरूम के इसके आउटसाइड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियाँ खामियाँ आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टॉप की, तो आप देख सकते हैं ये आपको ग्लास पैनल में मिल जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वाइट कलर लेते हैं, जो कि एनी अदर किसी भी कंपनी में आता है, जो वक्त के साथ साथ अपना कलर चेंज कर देता है, क्योंकि उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको इसके जेट मिल जाते हैं जो कि बर्न होते हैं, और उनका जो फ्लेम है वो इस जगह को और पूरे गीजर को उसका जो कलर है वो चेंज कर देगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसकी बॉटम की बात कर लें, इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको टेम्परेचर मिल जाता है, जो टेम्परेचर इस में से क्रॉस हो गया आपको मिलेगा, उतने जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपको शो कराएगा, उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी नॉब की, तो इसकी नॉब तीन नॉब इसमें आपको मिल जाती हैं। इसकी जो टॉप वाली नॉब है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर इसमें 8 जेट हैं तो आप इसको राइट साइड पे करेंगे तो वो जो जेट हैं वो 4 पे कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम चाहते हैं तो उसको 8 जेट मुकम्मल चला सकते हैं। इसकी राइट साइड वाली नॉब की बात कर लें तो ये इसकी पानी के प्रेशर की है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको मिनिमम पे रखना है, उससे जो पानी की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और ये वाली जो इसकी नॉब है, ये इसकी फ्लेम की है, इसमें आप फ्लेम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको बिल्कुल मिनिमम पर रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके टॉप की, तो इसके टॉप पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको वाशरूम के आउटसाइड पर लगाना है, और इसके टॉप पे कोई चीज़ आपने लगा देनी है, क्योंकि अगर बारिश का पानी इसके इनसाइड जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। इनसाइड की बात कर लें तो उसका जो पाइप है वो 1 इंच मोटाई में आता है, जिससे जो पानी का प्रेशर है वो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा इसके आपको ये जो ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें इसके सेल डलेंगे, और जब आप टैप खोलेंगे तो इसमें इग्निशन होगी, और इग्निशन होते साथ ये गीज़र जो है वो बर्न हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसके पाइप देख सकते हैं जो कि कॉपर में है। इसके बिल्कुल बॉटम पे आपको ये बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में दो जो बैटरीज हैं वो डलेंगी, एक राइट साइड वाला पाइप है ये पानी की इन का है, और लेफ्ट साइड वाला जो इसका पाइप है वो पानी की आउट का है। इसी तरह जो सेंटर वाला पाइप है वो इसकी गैस का मिल जाता है। अब बात कर लेते इसकी वारंटी की, तो इसकी जो मार्केट में वारंटी है वो 2 ईयर वारंटी है। अब बात कर लेते इसकी कीमत की, जो इसकी मार्केट में कीमत है 10 लीटर का इसका साइज़ है। इसकी कीमत की बात कर लें तो इसकी मार्केट में कीमत है अब तक जब तक ये वीडियो बन रही है वो 19,500 रुपये है। इसकी जो वारंटी है वो 2 ईयर है, जिसे पूरे पाकिस्तान में बआसानी आप क्लेम कर सकते हैं। और इस टाइम जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नेस गैस के ऑफिशियल नंबर है, अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके बआसानी में सर्विस बैकअप ले सकते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात कर लें तो ये 3 वाशरूम एट अ टाइम कवर करेगा। इसकी पानी के प्रेशर भी ठीक है, लेकिन इंस्टेंट गीजर लगाने से पहले ये आप बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, जो इंस्टेंट गीजर है ये किसी भी सूरत शावर में पानी नहीं देता, कि उसकी जो इतनी थ्रो नहीं होती। किसी भी कंपनी का आप इंस्टेंट गीजर लेते हैं तो उसकी जो थ्रो होती है वो काफ़ी कम होती है, इसका जो प्रेशर है वो पानी का जो शावर है वहाँ तक नहीं जाता। कीमत की बात कर लें तो कीमत भी रीज़नेबल है, और इसके अलावा 2 ईयर वारंटी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।